आपको उत्तर प्रदेश के बरेली लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो यहां चल रहा है, तो चुनावी प्रचार और अभियान को धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी साथ में योगी आदित्यनाथ उनके मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ यहां पर धुआंधार प्रचार करते हुए इस समय बरेली की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बरेली की सड़कों पर। फुल एक्शन में इस समय मोदी नजर आ रहे हैं, जगह जगह जाकर के धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जो भी स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं उनकी तरफ से धुआंधार प्रचार किए जा रहे हैं। और ये जो प्रचार है वो दरअसल तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर के है। आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 13 राज्य 88 लोकसभा सीटें जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पिछले चरण के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बरेली में इस समय मौजूद हैं और यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आप तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद और मेगा ये जो रोड शो है उसमें चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार भी पहुंचे। अररिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद अब बरेली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। धुआंधार प्रचार करते हुए यहां प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तीसरे चरण के लिए दरअसल ये प्रचार यहाँ किया जा रहा है। आज दूसरे चरण की वोटिंग सम्पन्न हो चुकी है और इसी के साथ तीसरे चरण के मतदान से पहले ये धुआंधार प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ इस समय बरेली में मौजूद। बरेली में इस समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। फुल एक्शन में मोदी इस समय नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली सीट को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी यहां पर नजर आ रही है और ये मेगा रोड शो इस समय बरेली की सड़कों पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो इस समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूदगी है और 80 में 80 सीटें बीजेपी के खाते में आए, कवायद यहीं की जा रही है बीजेपी की तरफ से। उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं पिछले 6 महीने से। और अब बरेली के रन को साधने की कोशिश पीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेगा रोड शो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का इस समय चल रहा है। ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बरेली की सड़कों पर, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं।
ये पूरा वाहन आपको भगवा नजर आ रहा है और भगवामय करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश को 80 की 80 लोकसभा सीटें साधने की कोशिश है। लोगों ने अपने घरों पर जय श्री राम भी लिखवाया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो से पहले ये खबरें भी मिल रही हैं और ये जो भगवा रथ है उस पर सवार होकर के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मेगा रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली की सियासत को साधने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा रही है और आज यानी दूसरे फेज के चुनाव के आखिरी वक्त में ये प्रचार तीसरे चरण के चुनाव से पहले है और इसके जरिए जनता से रूबरू प्रधानमंत्री हो रहे हैं। साथ ही भगवा रंग में रंगा हुआ ये पूरा प्रधानमंत्री मोदी का वाहन है। कहा जा रहा है कि बरेली के घरों में और बाहर जो है जय श्री राम लिखवाए गए हैं, लिखे हैं लोगों ने। प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरे रोड पर जो लोक संस्कृति का संगम है वो इस वक्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कहा जा रहा है रोड शो में ये जो 12 स्थान है वहां पर पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है, उनके ऊपर होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला रोड शो है। इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बरेली आए थे और उनकी पहली चुनावी सभा जो है वो यहाँ पर ही हुई थी और इसके बाद 2016 में नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री रबर फैक्ट्री के पास किसान कल्याण रैली हालांकि यहाँ पर की थी, लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पर चुनावी अभियान को धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली से मिल रही है। तो भगवा रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी का ये जो काफिला है वो बरेली की सड़कों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद, पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में। ये गाड़ी जिसपे प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और बरेली की सड़कों पर यहाँ पर मेगा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तस्वीरें हैं वो मिल रही हैं। बरेली से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान आज शाम 6 बजे संपन्न हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बरेली में मौजूद और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। और ये पहला मौका है जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन बरेली में हैं। अयाज खान मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अयाज, वहां तस्वीरें क्या बयां कर रही है, लोगों के अंदर कितना उत्साह पीएम को देखकर? जी, बरेली की बात करें तो बरेली की छत्रपाल सिंह गंगवार उम्मीदवार हैं बीजेपी से। पीएम मोदी लगातार 2 दिन बरेली में रहने से एक उत्साह है लोगों में, चारों तरफ से भीड़ इतनी जमा है कि कह नहीं सकते। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से और जो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो चप्पे पे पुलिस तैनात है। हर तरह से हर किसी भी मूवमेंट को रोक दिया गया है, बाहरी लोगों को, खास करके जो लोग बाहर से उनको देखने आए हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है देखने की। 1200 मीटर का ये रोड शो है, बरेली के राजेंद्र नगर में ये रोड शो होना है। बीजेपी का ये इलाका गढ़ माना जाता है, इस पर
खास बीजेपी की निगाह है, खास करके मोदी की अगर बात करें तो उनकी निगाह है कहीं कोई सीट यहाँ छिटक ना जाए, क्योंकि जो संतोष गंगवार हैं 8 बार के सांसद, उनका जो टिकट काटा गया तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध था, तो वो सब साधने के लिए यहाँ पर लगे हैं। ये मोदी कोई भी सीट ऐसी नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि वो किसी भी तरीके की कोई सीट में नुकसान हो। तब ये देखना होगा कि अब 7 तारीख को यहाँ वोटिंग है, जब तक क्या असर होता है, जो नाराज थे वो मानेंगे या नहीं। खासकर संतोष गंगवार की अगर बात करें, संतोष गंगवार को रथ पे पहले रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार रथ पे नहीं है। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और सत्यपाल गंगवार जो उम्मीदवार हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो है चौधरी, वो शामिल हैं, रथ पे चल रहे हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है उन्हें देखने के लिए, भारी भीड़ जमा है चारों तरफ से, घरों में जिनके घर थे उन्हें घर से देखने के लिए दिया गया, जो बाहर से आए हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है देखने के लिए। तो यह नजारा देखने को बनता है, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीएम मोदी मैं बरेली हो चुका है। आज की डेट करें अगर 24 घंटे की अगर बात करें, आंवला में सभा, 2 कैंडिडेटों के लिए वहां वोट, और यहां के लिए तो लगातार जनसंपर्क की अगर बात करें तो बीजेपी के सारे बड़े नेता यहां आ रहे हैं। खास करके मोदी की अगर बात करें तो कोई भी सीट यहां छोड़ना नहीं चाहते पीएम मोदी, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से अगर 8 बार से लगातार सांसद यहां रहना बीजेपी के, तो एक बहुत बड़ी बात है। संतोष गंगवार तो बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है, तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई कंजूसी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर के यहाँ लगातार पीएम मोदी से लेकर के सारे और भी नेता जो हैं सब यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे सीएम योगी हों, अब खास करके मोदी जी यहाँ का आना एक बड़ा माना जा रहा है, जिसको लेकर के सीट में अब किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और लोगों का ये कहना है कि अब मोदी अगर आ गए तो अब कोई सीट इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन चुनावी चर्चा किन मुद्दों को लेकर के इस समय बरेली की जनता के अंदर है आयास? बरेली की अगर बात करें, जमीनी मुद्दों पे खास करके इस टाइम चुनाव देखा जा रहा है, जो बड़े मुद्दे हैं वो हावी नहीं है। यहाँ की अगर बात करें, रोजगार, शिक्षा, जिस तरीके से मोदी अनाज दे रहे हैं लोगों को, अनाज पहुंच रहा है लोगों को, वो उस चीज की भी चर्चा है लोगों के बीच। किसान पीएम जो निधि मिली है लोगों को, उससे भी काफी उत्साह है लोगों में। अब ये वोट डलने के बाद ही क्लियर होगा क्या आखिरकार क्या जनता से इस का कितना भरोसा हो पाया, इस पे किस तरीके से वोट किया और कैसे क्या क्या आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उत्साह अगर देखें तो लोगों में बड़ी संख्या में है, यहाँ पे इतनी भीड़ जमा है, थोड़ा मैं साइड को आकर के यहाँ, नहीं तो आवाज भी मुझे लगता है नहीं पहुंच पाती, इतनी भीड़ यहाँ पे जमा है, लोगों में उत्साह देखने को बन रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इस समय बरेली की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी उतरे हुए हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ भी हैं। अच्छा आयाज, जो भगवा रंग की गाड़ी है उस पर सवार है, भगवा रंग का एक रथ है जिस पर सवार होकर के प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। भगवा का परचम लहराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जाहिर है जो वजह है वो है 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। ऐसे में राम नाम का की जो गूंज है वो उत्तर प्रदेश में इस समय कहां तक जाती हुई नजर आ रही है आयाज? राम नाम की गूंज करें तो बड़े स्तर पे है, लेकिन अगर जमीनी मुद्दों की अगर बात करें, राम नाम की भी नाम तो है लेकिन वो उत्साह नहीं है, जिस तरीके से देखने को लोगों की बात, हम लोगों के बीच जाते हैं उनसे बात करते हैं, तो खास करके कई जो जमीनी किसानों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की अगर बात करें तो जो छुट्टा सांड है उन पे लेकर के, और यहाँ केसर चीनी मिल लगती है उसका लगभग 3000 के समथिंग करोड़, 3000 करोड़ रुपए जो बकाया है किसानों का, उसको लेकर भी नाराजगी है कहीं ना कहीं। तो अब और एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र है उसके मंत्री भी यहीं पर हैं, इसी क्षेत्र से लगते हैं, जो गन्ना मंत्री हैं, तो ये सब बातें अगर जोड़ के देखी जाएं तो उनका असर कहीं ना कहीं सीधा वोटरों पे दिखता है। अब ये देखना होगा वोटर राम मंदिर के नाम पर, या जिस तरीके से जो अभी कुछ दिन पहले से एक मुद्दा हावी हुआ है, मंगलसूत्र जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो को पीएम मोदी ने खुद अपनी भाषण में कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि लोगों का सारा सामान छीनना, जैसे मंगलसूत्र हो गया, जमीन हो गया, बहुत सी चीज इस तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने अलग मुद्दों पे राजनीति कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें जमीनी, रोजगार, शिक्षा, जो है रोजगार की बात करें तो रोजगार लोगों को नहीं मिला। अब ये देखना होगा कि कितने लोग संतुष्ट हैं जमीनी मुद्दों पे वोट करते हैं, या हिंदू
मुस्लिम के नाम पे वोट करते हैं या और जो राजनीति चल रही है उसके नाम पे वोट करते हैं। फिलहाल यहाँ का उत्साह जो मोदी में, लगभग 4 सीटें बरेली जिले में बरेली की लगती हैं, जिसमें चारों सीटों पे पीएम मोदी का आना एक बड़ी वजह भी मानी जा रहा है। पब्लिक में ये भी सोचने में कि पीएम मोदी ने पिछली बार सिर्फ एक बरेली मंडल में एक सभा की थी, यहाँ पे बरेली में, यहाँ सब जगह के लोग बुला लिए गए थे और यहीं पे सभा हो गई थी। अब हर सीट पे जाना पीएम मोदी का एक, इससे ये भी एक बड़ा संदेश है, कहीं ना कहीं माथे पे शिकन बीजेपी के, खास करके अगर कहें तो ये देखने की मान के लोग चल रहे हैं कि हर सीट पे जाकर के प्रचार करना, लोगों से बात करना और वोट मांगना, तो ये हमने आंवला में भी देखा ये चीज। पीएम मोदी ने कई ऐसी बातें कही जिस पर लोगों में उत्साह देखने को मिला, लोगों ने कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।